टॉप जनरल कासिम सुलेमानी के बदले पर अमेरिका को ईरान ने क्या धमकी दी, कहा रूसी सैन्य बेस पर हुआ कार बॉम्ब अटैक और यमन ने ईरान पर क्या आरोप लगाए, देखते हैं टॉप नाइन वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में ये सारी खबरें। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का कोई अपना ही उससे कासिम सुलेमानी का बदला लेगा। कुछ फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमले में मार गिराया था। ईरान ने कहा कि वो किसी भी सूरत में कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेगा। अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट से अपने वॉरशिप यूएसएस निमित्स को वापस बुलाने के ऐलान के बाद ईरान ने राहत की सांस ली है। ईरान ने कहा कि उसे किसी हमले का डर नहीं है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा कि वो किसी भी विदेशी ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फारस की खाड़ी से अमेरिका ने अपने समुद्री बेड़े की वापसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान अब भी अपनी तैयारियों में जुटा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में अपने समुद्री बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा है। चंद दिन पहले ही इसराइल के वॉरशिप के यहाँ पहुँचने पर ईरान ने नाराजगी जताई थी। यमन ने ईरान पर संगीन आरोप लगाए हैं। यमन सरकार का कहना है कि जब अदन एयरपोर्ट पर धमाका हुआ उस वक्त ईरान के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यमन का आरोप है कि ईरान के ही पीएम और उनके कैबिनेट के सदस्यों की हत्या के लिए हूती बागियों से यह हमला कराया गया था। हालांकि ईरान ने इस हमले के पीछे सऊदी अरब का हाथ बताया है। सीरिया में रूस के सैनिकों को फिर निशाना बनाया गया है। इस बार उत्तर पूर्वी सीरिया में रूस के सैन्य बेस के नजदीक कार बम ब्लास्ट हुआ। इस कार ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए हैं। ये इलाका कुर्द बागियों के कब्जे में है। सीरिया की असद सरकार और रूस की सेना इस इलाके को कुर्द बागियों से वापस लेने की कोशिश कर रही है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ईरान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को कहा है कि वो अपनी यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को 20% तक ले जाना चाहता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका से 2015 में हुई परमाणु संधि से पहले उसकी संवर्धन क्षमता इतनी ही थी। तुर्की के बढ़ते दखल से नाराज लीबिया की सरकार ने रूस से मदद मांगी है। लीबिया के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने रूस से देश में लड़ रहे बाहरी आतंकियों को खदेड़ने के लिए मदद मांगी है। कर्नल गद्दाफी के खात्मे के बाद लीबिया गृह युद्ध में उलझा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने नए साल पर अपने देश के लोगों को चौंका दिया। आमतौर पर किम नए साल के दिन लोगों को टीवी के जरिए संदेश देते हैं, लेकिन 2021 में नए साल पर किम टीवी पर नहीं आए। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लोगों के नाम हाथ से लिखी चिट्ठी जारी की। हालांकि किम के सामने नहीं आने से कई सवाल भी उठ रहे हैं। अमेरिका के एरेगॉन के पोर्टलैंड में नए साल की शुरुआत होते ही जमकर हंगामा हुआ। यहां ब्लैक लाइव मैटर से जुड़े लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया।